हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केसीडी इंफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट्स एंड वाटर एक्टिविटी। ये दोनों लगभग सिमिलर से वर्ड्स हैं, सिमिलर सा इनमें वो होता है, प्रोनाउंस होता है कि लगभग हम ये समझते हैं कि दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंस है वो हम आज बात करने वाले हैं। मॉइस्चर कॉन्टेंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर फूड एंड इन्ग्रीडियंट्स, या चीज देखेंगे कि जो पानी की मात्रा हमारे खाने में या फिर उसके इंग्रेडिएंट में मौजूद होती है वो होती है वाटर कंटेंट। अब आता है वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी क्या होती है? वो द वाटर इन योर फूड दैट रिएक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जिसकी वजह से खाना जल्दी खराब होता है वो वाटर एक्टिविटी के रीजन से होता है। इसके बाद हम इसको और वेरीफाई करेंगे। अभी मैं एक बार आपको मॉइस्चर कॉन्टेंट के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। मॉइस्चर कॉन्टेंट क्या होता है? जैसे कि हमारा खाना है, इसमें वाटर पार्ट इतना हो गया और ये सॉलिड पार्ट हो गया, दैट इज़ अ कम्प्लीट पार्ट हो गया। तो इसमें जिसमें वाटर भी हो प्लस सॉलिड वाला भी हो, दिस इज इसमें ही हो जाता है मॉइस्चर कॉन्टेंट। ये दो फॉर्म में होता है, एक होता है वेट बेसिस, एक होता है ड्राई बेसिस। वेट बेसिस का फॉर्मूला क्या है? जो वाटर पार्ट है उसका वो डिवाइड बाय वाटर पार्ट प्लस सॉलिड पार्ट, कम्प्लीट टोटल वाला वेट उसका आ जाता है, दोनों वेट इसमें आते हैं। बट अगर ड्राई बेसिस होगा तो नीचे वाले में खाली सॉलिड पार्ट आएगा, वाटर वाला इसमें नहीं आता, और वाटर वाला पार्ट दोनों में ऊपर है बट इसमें कंप्लीट दोनों आया और इसमें एक आया, तो ये डिफरेंस आ जाता है वेट बेसिस एंड द ड्राई बेसिस। अब मैं आगे ब्रीफ करता हूँ। अब बात करते हैं वाटर एक्टिविटी की। बेसिकली वाटर एक्टिविटी जो है द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर, द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर इन ए फूड, जो इम्पैक्ट किसको करता है? ये करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी डायरेक्टली। ये दो चीज़ों का हमें ध्यान देना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वाटर एक्टिविटी होती है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन ए सैंपल, जो सैंपल का होता है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, ये मेन चीज जो है इसमें, जो ये माइक्रोबियल से रिएक्शन करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन डायरेक्टली कराता है, वो सब वाटर एक्टिविटी की वजह से। और वो क्यों? ड्यू टू दिस फ्री वाटर, इसको हम बोल सकते हैं अनबाउंड वाटर भी हम इसको बोल सकते हैं। ओनली अनबाउंड वाटर कैन एस्केप द सैंपल, जो सैंपल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हम एक्चुअली बोलते हैं कि जो हमारी सेल्फ लाइफ है मॉइस्चर कॉन्टेंट वाटर एक्टिविटी पे, नहीं मॉइस्चर कॉन्टेंट पे, बट ऐसा नहीं है। देखिए, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लिया मैंने मिल्क का, मिल्क में मॉइस्चर कॉन्टेंट कितना है? 87%। एक मैंने एग्जाम्पल लिया सोया सॉस का, उसका मॉइस्चर कितना है? 82%। अप्रॉक्स दोनों का मॉइस्चर सेम सेम, बट इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो मिल्क की 1 से 2 हफ्ते, और इसको हमें रेफ्रिजरेटेड रखना पड़ता है, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो लंबी रहती है और रूम टेम्परेचर पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये अभी इस एग्जांपल से हमें ये समझ आ रहा है कि मॉइस्चर कॉन्टेंट तो दोनों के सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है? वाटर एक्टिविटी में। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर रिएक्टिव ज्यादा है और वाटर से रिएक्शन करके, तो ये सब जो सेल्फ लाइफ है ये डिपेंड करती है ऑन द बेस्ड ऑफ वाटर एक्टिविटी, नॉट ऑफ द मॉइस्चर। यहाँ पे ये चीज समझने वाली चीज है जो हम सबको ध्यान देनी है कि जो हमारा सेल्फ लाइफ इज डिपेंड ऑन द वाटर एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मॉइस्चर कॉन्टेंट दोनों का सेम है और दोनों की सेल्फ लाइफ अलग है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर कॉन्टेंट एंड वाटर एक्टिविटी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मॉरल सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।